आज है 20 अगस्त 2022, और 20 अगस्त 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, और हर क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो की PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी। डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तथा इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। सभी लिंकों को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड के नए CEO कौन बने हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पीयूष गोयल। राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड के नए CEO पीयूष गोयल बने हैं। समुद्री निगरानी में मदद के लिए भारत ने किस देश को पहला डोर्नियर नामक समुद्री निगरानी विमान सौंपा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्रीलंका। भारत ने श्रीलंका को एक डोर्नियर समुद्री टोही विमान उपहार में दिया है जो अपने जल क्षेत्र में मानव और मादक पदार्थों की तस्करी तथा अन्य संगठित अपराधों जैसे कई चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को दुनिया में नंबर एक बनाने के लिए मेक इन इंडिया एक नामक राष्ट्रीय मिशन किसने शुरू किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारत को दुनिया में नंबर वन बनाने के लिए मेक इन इंडिया वन नामक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है। यह मिशन शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, किसानों को फसल का दाम सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्कूलों में बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए डिटेल स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के प्राथमिक स्कूलों में बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए डिटोल स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। यह स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम उत्तराखंड के सभी जिले के 13,000 प्राथमिक स्कूलों में चलाया जाएगा जिसमें बच्चों में स्वच्छता के प्रति दैनिक व्यवहार में परिवर्तन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदलकर क्या नया नाम कर दिया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्लेड। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकीपॉक्स वायरस के वेरिएंट के लिए नए नामों की घोषणा की है। यह नाम किसी भी संस्कृति या सामाजिक अपराध से बचने के लिए है। विशेषज्ञ ने मध्य अफ्रीका में पूर्व कार्गो वैक्सीन क्लेड को क्लेड वन और पूर्वी पश्चिमी अफ्रीका क्लेड को क्लेड टू नाम दिया है, जिसमें IIB वर्ष 2022 में फैले वेरियंट का समूह है। मंकीपॉक्स के बारे में जानकारी, मंकीपॉक्स एक वायरल जिनोसिस है जो जानवरों से मनुष्य में फैलता है, जिसके लक्षण चेचक के समान होते हैं लेकिन चिकित्सक रूप से कम गंभीर होते हैं। WHO के बारे में जानकारी, इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO ने 7 अप्रैल 1948 से कार्य आरंभ किया था। वर्तमान में 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके महानिर्देशक ट्रेडोस एडहोएनोम है। WHO के वर्तमान सदस्य 194 हैं। WHO का दक्षिणी पूर्व एशिया का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्टर कार्ड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी। सात्विक साईराज, रेंकी रेड्डी, किदंबी श्रीकांत, चिराग शेट्टी और लक्ष्य सेना, ये सभी मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ये सभी बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। यह सभी खिलाड़ी थॉमस कप 2022 और बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के भी विजेता हैं। मास्टर कार्ड के बारे में जानकारी, मास्टर कार्ड की स्थापना 1966 में हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में। इसके CEO माइकल मीबेक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरोजगार महिलाओं के लिए किस राज्य सरकार ने अम्मा योजना और वात्सल्य योजना शुरू की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिक्किम। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमंग ने अम्मा योजना के तहत बेरोजगार माताओं को 20,000 रुपए हर साल देने की घोषणा की है। साथ ही सिक्किम राज्य सरकार ने
वात्सल्य योजना के तहत निसंतान महिलाओं को इलाज के लिए 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सिक्किम के बारे में जानकारी, सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 को हुई थी। इसकी राजधानी गंगटोक है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमंग है। सिक्किम के गवर्नर गंगा प्रसाद है। सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ सोमंदर है। सिक्किम के 3 पड़ोसी देश चीन, नेपाल और भूटान। सिक्किम का 1 पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल है। सिक्किम राज्य की सीमा देश 3 देश से लगती है, नेपाल, भूटान और चीन। सिक्किम के प्रमुख दरले नाथुला दरला, जेवलेप ला दरला इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन वस्त्र सम्मेलन 2022 का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। एशियन वस्त्र सम्मेलन 2022 टेक्सकॉन 2022 का 10वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। यह एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसका आयोजन भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ द्वारा 2005 से किया जा रहा है। यह सम्मेलन कपड़ा उद्योग में हो रही प्रमुख तकनीकी प्रगति पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में प्रदान कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर इनिशिएटिव रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। भारत की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली का खतरनाक फाइन पार्टिकुलेशन मैटर सर्वाधिक है। वहीं दिल्ली की औसतन वार्षिक एक्सपोजर 110 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर बताया गया है। यह रिपोर्ट दुनिया भर के 7,239 शहर में 2010 से 2019 तक की अवधि के बीच प्रदूषण स्रोत के विश्लेषण पर आधारित है, जो कि शहरों में प्रदूषण के जोखिम को, लोगों पर, इससे जुड़े स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। टॉप 3 शहर के नाम, पहले पे दिल्ली है, भारत का दूसरे पे कोलकाता है, भारत का तीसरे पे कारनो है नार्जिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 अगस्त 2022 को भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन रेखा की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस रेखा का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेड क्लिफ रेखा। 75 साल पहले भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी मिलने के 2 दिन बाद उपमहाद्वीप को बांटने वाली एक सीमा रेडक्लिफ लाइन प्रकाशित हुई थी, जिसके जरिए भारत और नवसृजित पाकिस्तान के बीच सरहद का भौगोलिक सीमांकन किया गया था। रेडक्लिफ रेखा से जुड़े 5 प्रश्न भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। इसके बीच की रेखा को रेडक्लिफ रेखा का नाम सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा की लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत और बांग्लादेश के बीच रेडक्लिफ रेखा की लंबाई 40,496.7 किलोमीटर है। भारत के पूर्वी भाग में भारत और बांग्लादेश सीमा को रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुरदीप सिंह रंधावा। गुरदीप सिंह रंधावा जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि बने हैं। गुरदीप सिंह रंधावा जर्मनी के क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन थुरिंग के पहले भारतीय प्रतिनिधि हैं, जो कि जर्मनी की सबसे मजबूत राजनीतिक पार्टी है। जर्मनी के बारे में जानकारी, जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी बर्लिन है। जर्मनी की करेंसी यूरो है। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर है। जर्मनी की सबसे लंबी नदी का नाम राइन नदी है। जर्मनी के संविधान से आपातकालीन के दौरान राष्ट्रीय मौलिक अधिकार संबंधी शिकायतें, आपातकालीन के समय मूल अधिकारों का परिवर्तन आदि लिया गया है। जर्मनी की संसद का नाम वुस्ट टैग है। यह प्रश्न आपके लिए है फ्रेंड्स, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप कुछ मुझसे किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट करें। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।